गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 जीके लेसन 50। इसमें कुछ रीजनल फेस्टिवल्स के बारे में भारत के बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्लू को पढ़ना है और फेस्टिवल की पहचान करनी है। पहला है, दिस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा और पार्वती को डेडिकेटेड फेस्टिवल है और ये राजस्थान में मनाया जाता है बाई बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वीमेन। मैरिड और अनमैरिड वीमेन दोनों ही इसे सेलिब्रेट मनाती हैं। दे फास्ट फॉर पीरियड ऑफ फॉर 18 डेज। वे लगभग 18 दिन तक व्रत रखती हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र, चैत्र के पहले दिन से। इस त्यौहार का नाम है गंगौर। सेकेंड है, इट्स अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द सन। ये भगवान सूर्य को समर्पित त्यौहार है। दिस 4 डे फेस्टिवल, ये 4 दिन तक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है बट मोस्ट एलोबरेटली इन बिहार, खासकर बिहार में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। इसमें डिवोटीज डे का डिप बाथ इन गंगा, गंगा में स्नान करते हैं फर्स्ट डे एंड फास्ट फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन व्रत रखते हैं। दे प्रिपेयर प्रसाद ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन प्रसाद बनाते हैं एट होम, घर पे। और 4th डे दे गो टू द रिवर, रिवर नदी पर जाकर वे बिफोर द सनराइज टू मेक ऑफरिंग्स टू द राइजिंग सन। उगते हुए सूर्य को ऑफरिंग्स करते हैं, ऑफरिंग मतलब पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना, भेंट चढ़ाते हैं। इस त्यौहार का नाम है छठ। नेक्स्ट है, इट्स अ सोशल फेस्टिवल, ये वेस्ट बंगाल का, डेडिकेटेड टू द प्रिंसेस कॉल्ड भद्रावती। भद्रावती राजकुमारी थी, उनको डेडिकेट है ये। वो कमिटेड सुसाइड, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द एंटायर मंथ ऑफ भाद्रो। भाद्रो मंथ होता है, हिंदी मंथ होता है, भादो जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये पूरे महीने मनाया जाता है इस त्यौहार को। प्रिंसेस भद्रावती इज़ वर्शिप्ड एज द गॉडेस ऑफ क्रॉप्स। इसे फसल की देवी के रूप में, ये जो राजकुमारी भद्रावती थी उनको पूजा जाता है। इस त्यौहार का नाम है भादु। अगला है, इट्स अ हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का, विच इज सेलिब्रेशन ऑफ संक्रांति। संक्रांति को मनाते हैं इसको इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी के मंथ में। ऑन द ईव ऑफ द फेस्टिवल, त्यौहार की शाम को, पीपल, यंग पीपल इरेक्ट मेक शिफ्ट हट्स बम्बू और लीव से, ये लोग हट्स बनाते हैं और पूरी रात वहीं पर उसके चारों तरफ गाते हैं, नाचते हैं, ड्रम ढोल बजाते हैं, गेम्स खेलते हैं। द हट्स आर बर्न्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह को उसको हट्स को जला दिया जाता है। इस त्यौहार का नाम है भोगल बिहू। नेक्स्ट है, फेस्टिवल ऑफ बुलक, ये बैलों का त्यौहार है, ठीक है, बाय द फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा मनाया जाता है। इस सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मनाते हैं इसको ज़्यादातर। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, अपने किसानों को लेकर, सॉरी, अपने बैलों को, बुलॉक्स को लेकर नदी पर जाते हैं, उनको नहलाते हैं, सजाते हैं और उनको पेंट करते हैं उनके सींगों को। देन द बुलॉक्स आर फर्शिप्ड, और उनकी फिर पूजा की जाती है। इस त्यौहार का नाम है पोला। नेक्स्ट है 6th, इट्स अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन थ्रिसर, थ्रिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसको मनाते हैं। ये रंगों और ध्वनि का त्यौहार है। इट्स हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मई में मनाया जाता है इस त्यौहार को। लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कंपटीशन कैपरिजन्स एंड एलिफेंट्स कैरिंग सेरेमोनियल अम्ब्रेलास, अम्ब्रेलास को लेकर सजे हुए हाथियों पर जाते हैं, एक परेड निकलती है पूरी, और एलिफेंट्स गो अराउंड द टेंपल्स, टेंपल्स के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं। वदकुंठनम टेंपल के चारों तरफ, जो कि भगवान शिव का टेंपल है, और इस त्यौहार का नाम है थ्रिसर पूरम। आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इसको एज इट इज जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इसकी PDF आपको भेज दूँगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। थैंक यू।